माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज एक बात करते हैं आम समस्या की, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी को ये ज़्यादा रहती है, वो है बाल झड़ने की। लोगों के बाल आजकल बहुत जल्दी असमय झड़ने लगते हैं, और बाल झड़ने से जो समस्या होती है वो आप खूब अच्छी तरह समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है अगर आप गंजे हो जाते हैं या बाल बहुत कम हो जाते हैं। तो बात करते हैं हम कि किन चीज़ों को खाने से, किन चीज़ों को खाने में शामिल करने से हम बालों की समस्या को, बालों के झड़ने की समस्या से निजात पा सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं। कई दिनों से आपने मान लो ऐसा महसूस किया है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपने कई शैम्पू बदल लिए और फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये सोचिए कि कहीं आपके खाने पीने में कोई कमी तो नहीं है। शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं और दो मुँह हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप शरीर में आपके पोषक तत्वों की कमी से ऐसा हो रहा हो, इसलिए आपको अपने खान पान में बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आपके बाल काफ़ी दो मुँह हो गए हैं तो आपको डाइट में आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट और बीटा कैरोटीन को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि आपके बालों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। आयरन युक्त आहार आपके बालों को झड़ने को कम करता है। अब आयरन कौन कौन सी चीज़ों में होता है, इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी, हरा प्याज, ब्रोकली आदि हैं। इन सबको आप अपनी डाइट में शामिल करें और इसका नतीजा महीने दो महीने बाद ही आपको पता लगने लगेगा। वैसे तो जल्दी लगेगा, लेकिन इनकी काफ़ी मात्रा आपको लेनी पड़ेगी। आपको यूँ समझिए कि 30-40% ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी, रोटी या अनाज के जो चीज़ें वो कम खानी पड़ेगी, पेट आपको इससे ज़्यादा भरना चाहिए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाल सुंदर और स्वस्थ रखिए। इसके बाद हम बताएंगे कि आपकी स्किन कैसे स्वस्थ रखते हैं। थैंक यू।